नमस्कार, मैं हूं आशुतोष त्रिपाठी और आप देख रहे हैं टीडीसी न्यूज। जम्मू कश्मीर में चुनाव चल रहे हैं और पीएम नरेंद्र मोदी वहां पे ताबड़तोड़ रैलियां और रोड शो कर रहे हैं। पीएम ने जम्मू के कटरा में रोड शो किया और रोड शो के दौरान पीएम के प्रति लोगों की दीवानगी दिखी। लोग पीएम को अपने कैमरों में कैद करते नज़र आए। पीएम ने भी लोगों को निराश नहीं किया और सबका अभिवादन स्वीकार किया। रोड शो के दौरान लोग सड़कों पर तो थे ही, छतों से भी लोग पीएम को अभिवादन करते नज़र आए और उन्होंने उन पर फूल बरसाए। महिलाएं हों, बच्चे हों या युवा हों, सभी पीएम को अपने मोबाइल के कैमरे में कैद करते नज़र आए। देखिए, ये वही जम्मू कश्मीर है जो कभी आतंक का पर्याय था, लेकिन आज वहाँ हालात ये है कि नौजवानों के हाथों में पत्थर की बजाय पेन है। हमारे नौजवान स्कूल कॉलेज से बाहर थे, पढ़ाई से दूर थे और ये तीन खानदान उनके हाथों में पत्थर थमाकर खुश रहते थे। इन लोगों ने अपने फायदे के लिए हमारे बच्चों का फ्यूचर, उनका मुस्तकबिल बर्बाद किया है। आज देखिए, पूरे जम्मू कश्मीर में स्कूल कॉलेज आराम से चल रहे हैं, बच्चों के हाथ में पत्थर नहीं बल्कि पेन है। पीएम के रोड शो के दौरान ये बात दिखी भी। युवा हो, नौजवान हो, महिलाएं हो या बच्चे हो, सभी ने पीएम नरेंद्र मोदी का स्वागत किया और पीएम ने भी किसी को निराश नहीं किया। उन्होंने भी सबका अभिवादन स्वीकार किया। लोगों ने छतों से और सड़कों से पीएम की गाड़ी पर इतने फूल बरसाए कि सुरक्षाकर्मी उन फूलों को हटाते हटाते थकते नजर आए।